एक बाण मारा तो कितने दूर गया, 100 योजन दूर। और हम कथा कहाँ कर रहे हैं, यहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ जहाँ कर रहे थे उस परिसर से 100 योजन दूर फेंक दिया, यानी वहां तू अपना तेरा काम कर, यहाँ मुझे परमार्थ का काम कर लेने दे। मृत्यु दंड की आवश्यकता नहीं समझी थी राम जी ने। क्यों भैया तिवारी बाबू, 100 योजन दूर जाओ। अब इसके बाद और सुन लो, ध्यान देना मेरी तरफ। जिसकी मृत्यु हुई लिखी थी ना, वो 100 योजन दूर फेंका, लेकिन एक पंचवटी में वापस 100 योजन से वापस आ गया और उसी राम के बाणों से मारा भी गया। महाराज परमात्मा ने अपनी मर्यादा को निभाया कि प्रथम दंड नहीं दीजिए भूत ही के मन रोस, अंत चरण जब आवई देहु दंड सहरोस। पहली बार ना दंडित करो, इतना नीति है। राज धर्म जानहिं नेव, पहली बार मारा बिन बाण के 100 योजन दूर फेंक दिया, लेकिन उसकी कुबुद्धि थी, उसकी मृत्यु वाणी थी, तो 100 योजन से वापस आया और पंचवटी में राम के बाणों से ही मारा गया। तो जिसकी मृत्यु हो खींच के आ जाएगा, जिसका विनाश होना है उसका हो ही जाएगा, तो हम आप क्यों परेशान हैं, हमें तो सहन शक्ति की जरूरत है। 100 योजन दूर दशरथ जी से पूछा, सॉरी विश्वामित्र से लोगों ने पूछा, भैया ये कौन, ये किसके बालक हैं, इतने छोटे बालक कहां से आए आपके पास। ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरालनी के कल जोट। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने बचपन में ही ताड़का को मार दिया, मारीच को 100 योजन पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, मृत्यु का भय ना करते हुए ही, मृत्यु का भय ना करते हुए आप रहे मख की रखवारी, स्वयं विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा की। ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र। विश्राम कक्ष की तरफ जाते हैं और प्रथम जागे जगतपति रघुपति राम सुजा। भगवान राम का जगते हैं सबसे पहले, लगे चरण चापन दो भाई। अब तो गुरु महाराज के पैर दबाने लगे हैं दोनों भाई। अब गुरु से मांग क्या रहे हैं, आपने देखा होगा ना, अगर हमें पार्टी करनी है तो दूसरे का नाम लेते हैं, है जी। हमें कुछ खाना है तो हम दूसरे का नाम लेते हैं। ऐसे भगवान की इच्छा हो गई है, परमात्मा की इच्छा हो गई है नगर दर्शन की, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं जी। देखने जाना है भगवान को जनकपुर और नाम किसका ले रहे हैं। कि नाथ लखनपुर देखने चाहिए, लखन हृदय ला लसा बिसे।
घन हृदय लालसा विषेक। गुरुदेव लखन के हृदय में लालसा यानी इच्छा जागृत होना, भाव प्रकट होना कि लखन के हृदय में ऐसी इच्छा है कि मैं जनकपुर देख के आऊं, जनकपुर का भ्रमण करूं। लेकिन प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रकट न कहा मन ही मुस, इच्छा है इनकी लेकिन मन ही मन मुस्का रहे हैं, आपके भय के कारण नहीं कह रहे हैं। तो परम विनीत सकुच मुस्काए कि बोले गुरुआ नुशासन पा। गुरुदेव ने कहा ठीक है कि जाई देखिया वह नगर सुख निधान दो भाई, ओ करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। गुरुदेव ने कहा ठीक है जाइए नगर घूमे आइए, आए अगर प्रभु के चरणों में आना है तो एकाग्रचित होकर आनंद लेने से ही होता है। आप राम कथा को सुन रहे हो तो उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करो, खाली मनोरंजन का साधन और आय का स्रोत नहीं, इसे जीवन में भी उतारना चाहिए, नहीं तो ये टाइम पास के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। और अगर जीवन में उतार लिया तो बहुसिंधु से पार होने से कोई तुम्हें रोक भी नहीं सकेगा। एक छोटा सा चेतावनी की भाव कैसा होना चाहिए तिवारी जी, एक तो मिल गई तो जमाना गया, एक तो मिल गया तो जमाना गया, छूट जाए जहाँ तो कोई गम नहीं, एक तो मिल गया तो जहाँ मिल गया, एक तो मिल गया तो जहाँ मिल गया, छूट जाए जहाँ तो कोई गम नहीं, एक तो चाहे दुश्मन बने ये जमाना मेरा, चाहे दुश्मन बने ये जमाना मेरा, साथ तुम मेरे हो तो कोई गम नहीं, चाहे दुश्मन बने ये जमाना मेरा, चाहे सारा जहाँ
कहे एक नजर देख ले तो जरा ताई चाहे कर पाए दुनिया मुझ पे कहे बात तेरा अगर है मेरे साथ में प्रभु जी मेरे साथ में तो जमाने की हस्ती में कोई दम नहीं।